अब हम पहुंचे हैं धर्मशाला के वॉर मेमोरियल पे। वॉर मेमोरियल पहुंचते ही आपको लेफ्ट और राइट साइड पे दिख जाएंगे वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ हुए थे वॉर में। और ये जो स्टैचू है वो है वीर जोरावर सिंह जी का स्टैचू। वॉर मेमोरियल बनाया गया है अपने वीरों की शहादत को हमेशा याद रखने। यहाँ आपको काफ़ी कुछ देखने मिलेगा। ये भारत का नक्शा बनाया गया है और जो ब्लैक कलर के वॉल्स है उस पर हमारे वीरों के नाम लिखे गए हैं जिन्हें शहादत मिली हमारी आज़ादी के लिए। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी जो आज़ादी है वो हमारे वीरों के शहादत के वजह से है। उन्हें आके यहाँ नमन करना चाहिए और श्रद्धा सुमन देने चाहिए। वीरों के नाम 3 ब्लैक कलर के वॉल पे लिखे गए हैं गोल्डन लेटर्स में। यहाँ आने पे आपको एक अलग ही देशभक्ति की भावना आएगी और जब आप ब्लैक कलर के वॉल्स में गोल्डन लेटर्स में अपने वीरों के नाम पढ़ोगे तब आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा शांति फील होती है और फूल भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से खिले हुए हैं, हरियाली है। अगर आप धर्मशाला आ रहे हो तो यहाँ पे ज़रूर आना, अपने वीरों के लिए प्रार्थना ज़रूर करना और उन्हें याद करना। यहाँ बनाया गया है म्यूज़ियम, आप म्यूज़ियम विज़िट ज़रूर करना। हम आए थे तब म्यूज़ियम बंद था इसलिए म्यूज़ियम आपको दिखा नहीं पाएंगे, पर काफ़ी बड़ा और अच्छा म्यूज़ियम है, विज़िट ज़रूर करना। हम अभी जा रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम। मैं कभी क्रिकेट स्टेडियम नहीं गई हूँ तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होने वाला है और एक्साइटेड हूँ क्रिकेट स्टेडियम घूमने। मेंटेनेंस वर्क के कारण अंदर जाना अलाउड नहीं है तो बाहर से ही हमें देख के खुश होना पड़ रहा है, अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पे टेस्ट मैच भी थे मेंटेनेंस के कारण, वो भी कैंसिल हुए तो हमारा और विजिटर्स का जाना भी कैंसिल है। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट मॉनेस्ट्री में धर्मशाला की, ये भी काफ़ी सुंदर है तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। हम पहुंच गए हैं धर्मशाला की बहुत ब्यूटीफुल गोल्डन येलो कलर के मॉनेस्ट्री में। यहाँ तांत्रिक विद्या सिखाई जाती है, काफ़ी मॉन्क यहाँ पे स्टडीज़ करने के लिए आते हैं। यहाँ रहने की फैसिलिटी भी काफ़ी दी गई है और बहुत पीसफुल जगह है, ग्रीनरी है, शांति है और बहुत अच्छा फील होता है यहाँ आके। आप आओगे तो आप एक अलग एनर्जी, पीस, अलग वाइब्रेशन, जो कि पीस वाला वाइब्रेशन है वो फील करोगे। और जो मॉनेस्ट्री के आसपास की जगह है वो भी काफ़ी सुंदर है। मॉनेस्ट्री के पीछे आपको पहाड़ दिखाई देंगे और इतना अच्छा स्काई दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं। ये वाली प्लेस पे बैठ के सारे लोग साथ में मेडिटेशन करते हैं और ध्यान करते हैं। आगे चलते हैं और मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं।
धर्मशाला से डेलाउजी के वे में हमने पुरुषोत्तम होटल में हॉल्ट लिया है चाय नाश्ता के लिए। आइए मैं दिखाती हूँ कितना प्यारा व्यू आ रहा है होटल से। हिमाचल ट्रिप डे नंबर 7, आज का हमारा धर्मशाला साइट सीन हुआ और उसके बाद धर्मशाला से हम डलहौजी आए और जस्ट अभी अभी चेक इन किया है। होटल ब्यास पुष्प डलहौजी में हमने चेक इन कर लिया है। आइए अपना रूम देखते हैं।